शाहदरा जिले के थाना गीता कॉलोनी के अंतर्गत रहने वाली एक पीड़ित महिला अपनी FIR पर कार्रवाई कराने के लिए शाहदरा जिले के गीता कॉलोनी थाने और जिले के आला अधिकारियों के चक्कर काटकर परेशान है, लेकिन उसकी कार्रवाई नहीं हो रही, जिसके कारण उसे दर दर भटकने को मजबूर होना पड़ा है। उनके मुताबिक DCP और आला अधिकारियों से कई बार पीड़ित महिला ने संपर्क किया, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। पीड़ित महिला का यह भी आरोप है कि उनकी FIR पर कार्रवाई करने वाले जांच अधिकारी भी फोन नहीं उठाती, उल्टा ही पीड़िता को मोबाइल नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिया गया है। FIR हुए लगभग काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन पुलिस आरोपियों को नहीं पकड़ रही है। पीड़िता की माने तो वह अब इंसाफ के लिए दर दर भटक कर परेशान हो चुकी हैं। तो सुनिए पीड़ित महिला की दर्द भरी कहानी उसी की जुबानी। ये हुआ था कि शादी से पहले उन लोगों की डिमांड थी कि मेरा भाई डॉक्टर है और इनको अच्छी से अच्छी गाड़ी चाहिए, तो मेरी वालदा ने इनकी दान देह सारा पूरा किया। फिर उसके बाद फिर अगले दिन शादी से के बाद जहाँ वो होता है वलीमा हमारे यहाँ, तो वलीमे वाले दिन ही इन लोगों ने ये बोले कि आपके माता पिता क्या लेके आए, तो देखा उन्होंने सामान को सब उसमें लात मारी गई और मेरे भाइयों को सबको जलील करा गया और यहाँ तक कि उन लोगों ने मारपीट करनी चालू कर दी। शादी से मुझे ही शुरू से ही उन लोगों ने तंग करना चालू कर दिया था। मैं 15-22 दिन रही, फिर उन लोगों ने टॉर्चर करना चालू कर दिया, मारपीट करनी चालू कर दी। फिर अम्मी ने भाइयों ने उन्होंने समझा दिया, समझाने के बाद फिर उन लोगों ने और मेरे साथ ज्यादती करनी चालू कर दी कि ये क्या सामान है, ये क्या है, ऐसे मेरा तोड़फोड़ करना चालू कर दिया, मुझे मारपीट न करना चालू कर दिया। फिर मैंने थाने गीता कॉलोनी में FIR दर्ज की। पूनम आईओ है जो मेरा फ़ोन भी करती हूँ तो वो फ़ोन भी नहीं उठाती। मैं उनसे मालूम करती हूँ, गीता कॉलोनी थाने में भी जाती हूँ, कई दफ़े मैंने चक्कर भी लगाए, उन लोगों को मिलती नहीं है, झूठ बोल देती हूँ उससे, या तो लिस्ट में भी मेरा नंबर डाल दिया।